जीवन क्या है? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उस पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया, अंत में ना शरीर बचा ना पैसा। किसी शमशान के बाहर लिखी खूबसूरत पंक्तियाँ कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख कुछ ऐसी लगी इंसानों को कि वो कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने को फुर्सत ना मिल सकी, और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। कितना अजीब है मानव का भी जीवन कि 84 लाख जीवों में एक मानव ही ऐसा है जो धन कमाता है, लेकिन हैरत देखिए कि अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि मानव का कभी पेट भी नहीं भरा। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जब बिना भाई के साथ के रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो आप किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका परिवार कभी ना टूटे। किसी भी मोड़ पर अगर आपको कोई बुरा लगता है तो ज़माने को बताने से पहले एक बार उसे ज़रूर बताइए, क्योंकि बदलना उसे है, ज़माने को नहीं। कोई कभी आपको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने हादसों के अकेले गवाह होते हैं। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए। इंसान में अकेले चलने का हुनर होना चाहिए, काफिले तो खुद पीछे चल पड़ते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि वे नामुमकिन को कभी भी मुमकिन बना सकते हैं। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना कीजिए कि इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पे बनाए रखना कि जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। न दिल टूटे किसी का मेरे शब्दों से, इतना रहम तू मेरे भगवान मुझ पर बनाए रखना। और कभी दुख आए जीवन में तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सुख भी बहुत हैं, परेशानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में अगर लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ कि भगवान ने जो थोड़े गम दे दिए, भगवान की हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा है कि उन रिश्तों में अपनापन कितना है ये महसूस किया जाए। परवाह मत कीजिए चाहे ज़माना कितना खिलाफ हो, चलिए उसी राह पर जो सच्चा और साफ हो। सच्चे रिश्तों की एक खूबसूरती है कि वे एक दूसरे की गलतियों को सहन कर लेते हैं, क्योंकि बिना कमियों के इंसान ढूंढने निकले तो ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाएंगे। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह कीजिए जिसको आप हवा में उछालें तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए वह मोक्ष है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन वो आपको सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। हारने के डर से कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। सुधरना और बिगड़ना तो मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर, क्योंकि रामायण में दो पात्र थे, एक विभीषण तो दूसरा कैकई। विभीषण रावण के राज में भी रहकर नहीं बिगड़ा, और कैकई राम राज में रहकर भी नहीं सुधरी।